today is Mr. Nadeem Ansari sir, Advocate High Court. Sir, please come on. सब जहाँ पे हाजिर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने इतना कुछ कह दिया है कि मुझे कुछ कहने के मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे मधु किया गया तो मैं चंद एक अल्फाज ज़रूर कहूँगा। जैसे कि अहमद कलूम भाई ने बात की कि फंडामेंटल राइट्स की, कि हम लोग बतौर लायक दूसरों को हकूक दिलवाते हैं और ख़ुद जो हमारे बुनियादी हकूक हैं उससे महरूम रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आया वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से आज तक हम अपने हकूक से महरूम हैं। तो जवाब मेरी नज़र में तो ये निकलता है कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद लोग हैं, क्योंकि आज तक बार के अंदर जो भी इंतखाबात हुए, पंजाब बार के जो इंतखाबात हुए, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम जिन लोगों को वोट दे रहे हैं क्या वो लोग इस वोट के हकदार हैं। हम सबल बात और बड़े बड़े पैकेजेस की नज़र तो हो जाते हैं, हमें बहलाया जाता है, फैसलाया जाता है, मीठी मीठी बातें तो की जाती हैं, सबल बाग दिखा गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब हम ये करें, लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद, दो बार धोखा खाने के बाद हम मुसलसल धोखे के शिकार रहते हैं। क्योंकि हमने आज तक उन लोगों को ही मुंतखब किया, उन लोगों को ही इलेक्ट किया कि जिनका प्रोफेशन से कभी कोई तल्लुक वास्ता नहीं था। वो लोग होते हैं कि जिनके अपने मकासद होते हैं, अपने मसाइल होते हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं तो आपको वो प्यार से गले भी लगाते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे उनके अपने अपने कारोबार होते हैं, अपने अपने काम होते हैं जो उन्होंने संवारने होते हैं, और एक आम वकील के जो मसाइल होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से वकील हमारे भाई ठीक है, अपने उनकी पोजीशन है, उनका सारे मसाइल चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हज़ारों ऐसे वकील भी हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो घर से पैदल निकलते हैं और अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए चलते हैं। लेकिन अफसोस कि जब वो लोग इक्तदार में होते हैं जिनका वकालत से कोई तल्लक नहीं होता, जिनका प्रोफेशन से कोई तल्लक नहीं होता, वो कभी एक सेल्फ मेड एक सिंगल वकील के बारे में कहीं नहीं सोचते कि उस बेचारे के क्या मसाइल हैं। अगर यही हम इंतखाबात में सोच समझ के काम लें और वोट को अपना एक ईमानदारी से इस्तेमाल करें और अपना हक समझते हुए, एक किसी की अमानत समझते हुए इसका इस्तेमाल करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं, कि जो इलेक्ट होने का हक रखते हैं, कभी की किसी वकील को कोई मसाइल पेश ना आए, क्योंकि वो हमेशा बार के वेलफेयर की बात करेगा, एक वकील के मफाद की बात करेगा। लेकिन बदकिस्मती है कि ये ऐसा आज तक होता नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बार के अंदर ये देख रहा हूँ कि अब ये शऊर बेदार हो चुका है, लोग ये जान चुके हैं कि उनकी वोट की अहमियत क्या है। बड़े बड़े होटलों में बड़े अच्छे अच्छे खाने, बड़े बड़े पैकेज, ये उनकी वोट की कीमत नहीं होते, क्योंकि अब ज़्यादा देर ये निज़ाम चल नहीं सकता। वो सही कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम तो किसी तरह चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम चल नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस बार वही लोग मुंतखब होंगे कि जो इसके हकदार हैं, और मैं आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने वोट को हकदार की और एक जो जो इसका हकदार है उसकी अमानत समझते हुए उस अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और जो मुस्तहिक है इस अहदे के लिए उनको इलेक्ट करें। बहुत शुक्रिया जी।